चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 7 और 8 के लिए हम आज बीजगणित शुरू कर रहे हैं। ठीक, बाकी जो भी चैप्टर है वो करा दिए जाएंगे। अभी जो होगी आपकी एक्सरसाइज वाइज शुरू नहीं होगी बीजगणित में, ठीक है, कि कक्षा 8 में जो है गुणन करने से शुरू है, कक्षा 7 में जो है एकपदी द्विपदी ये सब छाँटना है। हालांकि बेसिक से शुरू करेंगे और उसको समझते जाइए, ठीक है। हालांकि पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा पिछली क्लासों में, लेकिन ध्यान से पढ़ना, ठीक। देखो, बीजगणित मतलब अभी तक जो आपने अंकगणित पढ़े हो, क्या पढ़े हो भाई? अंकगणित पढ़े हो कि नहीं? अर्थमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा आ गए। अंकगणित में अभी तक हमने अंकों को पढ़ा है भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब अंकों के बारे में पढ़ा है। उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सब कुछ हमने सीखा है, ठीक है, समझे कि नहीं? अब हम बात आ गए बीजगणित के, ठीक है। बीजगणित में देखिए, जितना पढ़ाऊँगा उतना लिख लेना, मैं यहाँ पे बोल दूँगा, बता दूँगा सब, ठीक। हालांकि लिखना, एक बढ़िया से नोट्स बनाना और पढ़ते जाना, ठीक। ऐसे ही जब रेखागणित की स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें भी एक एक नोट्स हम लिखा देंगे। देखिए बीजगणित, अब यहाँ पे अक्षरों की बात आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? अक्षर आ जाएंगे, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी कुछ भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अब जो भी मान सकते हो। पहले तो हिंदी में चलते थे, का खा गा आ बा सा, अब तो भाई इंग्लिश में दे दिए हैं, ठीक है। पहले ये भी चलते थे, का हो गया या खा हो गया, आ हो गया, क्या हो गया, ठीक है, सा दा पहले चलते थे, ठीक है। हालांकि बीजगणित तो वैसे भी चलिए, लेकिन वो चीज़ अब पुरानी किताबें देखे नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड सब आ गया, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस इतना ही अंतर हो गया है, सब वही काम वही करना है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक। कि हमने अभी 2 + 3 ये किया था तो 5 था, ठीक, लेकिन x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2x, ऐसे अब इनको कैसे हम जोड़े घटाएंगे, ठीक। इनमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं बस एक बात समझ जाना, ठीक। तो चलिए बात करते हैं मैं, ठीक है, जितना भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन जो है आगे जो है आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक। देखिए आगे सबसे बात आती है, अभी तो इनको जब हम गिनती कह देते हो, अंक कह देते हो या अक्षर कह देते हो, ठीक है, लेकिन बीजगणितीय भाषा में इनको चर और अचर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? चर पद और अचर पद। पहला पॉइंट आ गया चर पद और दूसरा आ गया हमारा अचर पद, ठीक, सुनना रहा, समझते जाइए। चर पद क्या है? देखिए चर पद वो होंगे जो हमारे अक्षर होंगे, जैसे एक्स वाई जेड होते कि नहीं है, ए बी सी, ये हमारे जो होते चर पद में आते हैं। काहे में आते हैं? चर पद, ठीक। और अचर पद वो होगा जो हमारा अंक होगा, यानी गिनती कोई होगी, यानी 5 हो गया या 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब इनके साथ में कोई भी, इनके साथ में जो हो गया अक्षर ना भाई, ठीक है, गिनती जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? अचर पद हो जाएगी। और चर पद जो हो जाते हैं हमारे, क्या होते हैं? एक्स वाई जेड अक्षर जो भी होते हैं, ठीक है, पहचान लोगे ना कि इसमें कौन सा चर है कौन सा अचर है। जैसे इसे लिख दिया जाए 3x, इसमें ये पूछा जाए कौन सा चर पद है तो कौन सा अचर पद है, तो बता दोगे कि नहीं? तो जो एक्स ये है हमारा, ये हमारा हो गया चर पद, और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? अचर पद। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, जैसे 5x + 6y है, इसमें अगर हमको चर और अचर निकालना है तो चर पद तो हमारे ये हो जाएंगे x और y, ये हमारे चर हो जाते गिनती, और अचर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे हमारे? 5 और 6, ये हमारे अचर पद हो जाते हैं, ठीक, पता ना सबको, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चर और अचर ये समझ गए कि नहीं? इसको नोट करते जाइए कि चर पद क्या है, ठीक है, अचर पद क्या है, ठीक। ऐसे लिख लीजिए, एक ऐसा परिमाण जो विविध पद संहितियों में विविध संख्यात्मक मान ग्रहण करता है, चर पद कहलाता है। और एक ऐसा परिमाण
जिसका संख्यात्मक मान स्थिर रहता है अचर पद कहलाता है। ठीक समझे, तो इनको लिखते रहना, लिखने के समझ जाइए। ठीक, ये अचर अचर पद समझ लो कि क्या होते हैं। अब आगे बात आ रही है चर पद, पद की बात आ रही है। पद क्या होता है भाई, पद पद को हम कहाँ से अलग करते हैं, कहाँ से जोड़ते हैं, ये चीज़ देख लीजिए। अब बात जो आगे पद की आ गई, ठीक है, बात जो आ गई हमारी कही गया कि पद भाई अचर 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 जान गए, जो गिनती होंगी वो अचर हो गए, जो अचर होंगे वो चर। लेकिन बात जो आ गई हमारी पद की आ गई, कहे की आ गई पद की। अब इसकी बात, इसमें अक्षर अचर और अचर दोनों भी आए, जैसे 5x + 3y भाई अचर और अचर दोनों भी आ रहा है, लेकिन पद क्या आ रहा है, पद मतलब क्या होगा। देखो पद मतलब क्या है कि पद को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग लिखा जाता है और या तो, ठीक है, पद को हम कहाँ से अलग करते हैं। हमेशा याद रखना कि पद जो होगा, जो चिन्ह आपका प्लस और माइनस का होता है, उससे अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है, प्लस और माइनस। जो पद होते हैं, ठीक है, हमेशा प्लस और माइनस का चिन्ह देखना, वहाँ से पद हमारे अलग होते हैं। ठीक है, गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जैसे देख लीजिए, x + 3 लिखा है, तो इसमें दो पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है, क्योंकि इन दोनों को किससे अलग किया है हमने, प्लस से। यानी हमेशा पद कहाँ से अलग होते हैं, प्लस और माइनस से। तो इसमें कितने पद हो गए हमारे, दो। जैसे 5x - 6y, इसमें भी पद कितने हो गए भाई, दो हो गए। एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस। ठीक है, पद जो होंगे हमेशा प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं। नोट में लिख लीजिए कि पद जो होंगे हमेशा प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं। ठीक, गुणा और भाग से नहीं। जैसे ये लिख लिए 3x है कि नहीं भाई, तो इनके इनके बीच में काहे का चिन्ह है, काहे का होता है, दो अंकों के बीच। तो इनके इनके बीच में जो होता है हमारा गुणा का चिन्ह है, काहे का चिन्ह है, गुणा से। तो गुणा में गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते, अतः इनको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा पद है, एक ही पद है। कितना है भाई, एक ही पद है। जैसे x / 3 है, ठीक है, ये x / 3। अब ये भाग में आ गया, यानी बटा में, और भाग या गुणा से हमने बताया कि उसमें से पद जो होते हैं हमारे कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो ये भी कितना पद हो जाएगा, एक ही पद हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये ऊपर नीचे लिखा है तो हम दो पद कह देंगे, गलत, समझे। तो सिर्फ इतना याद रखना कि जो हमारा पद होता है, वो पद जो होगा हमारा प्लस और जो हमारे चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस, इनसे ही अलग किए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे, इतना समझ में आ गया। गुणा और भाग से हमारे पद अलग नहीं होते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए, इसमें एक दो एग्जाम और देख लीजिए, बताइए भाई। अब देखिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, इनको कौन कौन से होते हैं भाई, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो दो पद। अब पद कहाँ से अलग होंगे, प्लस और माइनस से। ठीक, देखिए जैसे लिखा हुआ है 2x² - 5x² - 3x - 2y, तो ये सब क्या है, कामा का मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये नहीं कि सब एक ही में लिखा है। ये एक पदी है भाई, इनके बीच में कहीं प्लस और माइनस चिन्ह है, नहीं है। ये एक पद, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी है। ठीक है, दो पदी क्या होंगे, उनके बीच में क्या लगा, प्लस और माइनस चिन्ह देखना, x + y। ये देखिए कितने पद हैं इसमें, दो पद भाई, दो पद हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है का चिन्ह लगा है, प्लस का। यानी ये प्लस जो चिन्ह है इन दोनों को अलग कर रहा है, यानी दो पदों में बांट रहा है। अब यहीं पर भी हमने माइनस जेड कर दिया, अब कितने पद हो गए भाई बताइए, तीन पद हो गए। कितने पद हो गए, तीन, 1, 2, 3, क्योंकि इनके सबके बीच में क्या लगा है, प्लस और माइनस लगा है। यानी प्लस और माइनस लगा होगा, वहीं से पद क्या होते हैं हमारे, अलग होते हैं। ठीक, अच्छा जरा इसमें बताइए, 5x + y, इसमें कितने पद हैं भाई। देखिए प्लस कहाँ कहाँ लगा है, एक इन दोनों के बीच में लगा है, तो कितने पद हो गए, दो। ये तो एक ही पद है भाई, 5x, इसको मत गिनना कि 5x, ये भी एक पद, ये दो पद हो गए, ये नहीं, ये एक ही पद है, क्योंकि इनके इनके बीच में गुणा लगा है। क्या लगा है, गुणा। और पद जो होते गुणा और भाग से अलग
नहीं होते, हमेशा कहाँ से अलग होते हैं, प्लस और माइनस से। तो मतलब कितने पद हो गए इसमें, सिर्फ हमारे दो ही पद हैं। ठीक है, आप जैसे इसमें देख लीजिए, ठीक है एक और लेते हैं, 2 + 7x + 3y। आप इसमें बताइए भाई कितने पद हैं, बताइए। देखो कहाँ कहाँ पर लगा है, कितने पदों के बीच में, 1 2 3, यानी 1 2 3, ये तीन पदों को प्लस जो है अलग कर रहा है। तो कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, एक ये पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये कौन सा व्यंजक हो गया हमारा, त्रिपदी। इसको क्या लिख देंगे हम, त्रिपदी व्यंजक। क्या लिख देंगे हम, त्रिपदी व्यंजक। अब इनके इनके बीच में तो गुणा का चिन्ह है, काहे का चिन्ह है भाई, गुणा का। तो गुणा और भाग से हमारा कभी भी पद अलग नहीं होता है। जैसे x/3 + 5y, अब इसमें बताइए कितने पद हैं भाई, इसमें कितने पद हो गए भाई, दो ही पद हैं कि नहीं। x/3 है, ये भाग में, तो क्या हुआ, भाग में एक ही पद माना जाएगा, हमने बता दिया गुणा भाग से पद अलग नहीं होगा। और ये जो हो गया हमारा, दो पद हो गए, ठीक है, ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो ये कैसा व्यंजक हो गया हमारा, द्विपदी हो गया। ठीक, तो बेसिक से चलना है, धीरे धीरे सीखना है, ठीक है, पूरी बीजगणित बता दी जाएगी। और इसमें जो भी आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, हर चीज़ बता दी जाएगी। लेकिन अगर आप काम कार्य नहीं कर रहे हो तो भाई गणित नहीं आएगी। गणित में जितना बताया जाता है उतना किया करो, तभी आपको गणित आएगी, मैथ आएगी, ठीक है, वरना कोई भी नहीं सिखा सकता अगर काम नहीं करोगे, क्योंकि मैथ जो होती है प्रैक्टिस की होती है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पे जो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन करना, अभी बुक नहीं शुरू करना है कि बुक में डायरेक्ट गुणनखंड दे दिया है, डायरेक्ट जोड़ घटाना कुछ है ही नहीं, उसमें सीधे दे दिया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ सीख लो, हालांकि पता है आता होगा सभी को पता है, लेकिन उससे पहले कुछ जो छोटे छोटे मेन मेन टॉपिक हैं उनको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर फंसोगे उसमें, कौन पद है, किस पद से गुणा करनी है, कितने पदों में कॉमन लेना है, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ सब क्लियर कर लीजिए, ठीक। तो इसमें जो है आज हम इतना ही देते हैं, ठीक, और बाकी जो है इस पर कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन करके और ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है। बाकी ये लिख लेना, चर और अचर तो पता हो गया, जो गिनती हो गई हमारे अचर, जो अक्षर हो गया उचर, ठीक है। पद, पद कहाँ से अलग होते हैं, प्लस और माइनस से, हमेशा याद रखना, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था कि एक पद कैसे पहचानो कि एक पद के है, द्विपदी है, त्रिपदी है, ठीक है। तो उनके बीच में प्लस और माइनस चिन्ह देखे रहना, कितनी कितनी किसके बाद लिखा है, वो एक पदी हो गया, दो पदी हो गया हमारा, तीन पदी हो गया, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इन पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उनको लिख लो और उसको करके ग्रुप पे भेजना है, ठीक है। बाकी ये जो भी है इसको फेयर पे भाई नोट कर, ठीक, चर और अचर हेडिंग डाल के, पद कि पद को प्लस और माइनस चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, व्यंजक के पद कहलाते हैं। एक पदी द्विपदी क्या होती है, एक पद वाला व्यंजक एक पदी व्यंजक कहलाता है, दो पदों वाला व्यंजक दो पदी व्यंजक कहलाता है, त्रिपदी तीन पदों वाला जो व्यंजक होता है वो त्रिपद कहलाता है, त्रिपदी व्यंजक कहलाता है, ठीक है। बाकी इस पर जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको नोट कर रहे हैं, देखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन लिखे हैं, देख लीजिए, 7 और 8 दोनों लोगों के लिए है, ठीक है, जिन इसको करना है वो होमवर्क भेजना है। इसमें जो चर पर अचर लिखना है, कौन कौन से चर हैं, कौन से अचर, इसमें एक पद दो पद त्रिपद ही पहचानना है, इसको होमवर्क कीजिए और ग्रुप पर भेजिए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक क्लियर करके चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं आखिरी में गुणनखंड कर रहे हैं तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो पता ही नहीं हो रहा है कि माइनस कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ठीक, समझे कि नहीं समझे। गुणा कर रहे हैं तो हमको पता ही नहीं माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी। तो हर चीज़ इसको सीखिए, ठीक, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से सब कुछ सीख के चलना है, ठीक है, एक एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक। तो इसको होमवर्क ये है, आप लोग कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए, थैंक यू।